गुड मॉर्निंग डियर। दैनिक जागरण संपादकीय 850 शब्द लगभग, समय शुरू हो रही है थोड़ी देर में, स्टार्ट। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के जरिए इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस दौरान दोनों सदनों का माहौल कैसा रहने वाला है। इस तरह की बैठकें औपचारिक ही अधिक होती हैं और यह कहना कठिन है कि वे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कोई समझबूझ विकसित करने में सहायक बनती हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि वह संसद के आगामी सत्र में करीब 2 दर्जन विधेयकों को पेश और पारित करने का इरादा रखती है। इसी के साथ विपक्ष ने भी उन मुद्दों को रेखांकित किया है जिन्हें उसकी ओर उठाया जा सकता है। सभी जरूरी मसलों पर संसद में चर्चा की मांग करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर संसद को अखाड़ा बनाने से बचा जाना चाहिए। जब विपक्ष हंगामा करने पर अड़ जाता है तब फिर यह दलील भोथरी ही साबित होती है कि संसद चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। संसद के आगामी सत्र में जिन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन सकती है उनमें नागरिकता संबंधी संशोधन विधेयक प्रमुख है। इस विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के मतभेद किसी से छिपे नहीं, लेकिन जरूरत इसकी है कि दोनों पक्ष इस विधेयक को लेकर सहमति कायम करें। नागरिकता संशोधन विधेयक 1955 के नागरिकता अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। सरकार ऐसे प्रावधान चाहती है जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाए। विपक्षी दलों को इस पर आपत्ति है। स्वाभाविक रूप से उनकी आपत्ति पड़ोसी देशों के मुस्लिम को बाहर रखने पर है। पहली नज़र में यह आपत्ति सही जान पड़ती है, लेकिन क्या यह सच की अनदेखी की जा सकती है कि इन देशों में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि ही हैं। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ ने किस तरह असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की सामाजिक संरचना को बदल दिया है। कुछ स्थानों पर तो बाहर से आए लाखों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि स्थानीय संस्कृति ही खतरे में पड़ गई है। चूँकि नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध असम में भी हो रहा है, इसलिए सरकार को विपक्ष के साथ वहां के लोगों को भी भरोसे में लेना होगा। विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर कुछ भी कहे, उन्हें यह तो समझना ही होगा कि हर देश को यह तय करने का अधिकार है कि कौन लोग उसके नागरिक बन सकते हैं और कौन नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच
तल्खी कम होती नहीं दिख रही। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब टिप्पणी की तो राज्यपाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, इसके बावजूद मैं राज्य में लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले ममता ने धनखड़ का बिना नाम लिए कहा था कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भाजपा के मुख्य पत्र बन गए हैं। यही नहीं, सुश्री बनर्जी ने धनखड़ पर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। राज्यपाल ने सुश्री बनर्जी के इस आरोप पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि क्रिकेट के खेल में हर गेंद को खेलने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग अपनी जुबान का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर लगाम नहीं लगा रहे। मैं लोगों की सेवा करना जारी रखूंगा। राज्यपाल ने कहा कि उनके बयानों को पूरी तरह समझे बिना किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले धनखड़ और राज्य सरकार के बीच बुलबुल चक्रवात के कारण हुई तबाही के लिए राहत वितरण को लेकर नए सिरे से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। धनखड़ ने 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर सेवा देने का अनुरोध किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की अनुमति देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया। राज्य सरकार ने एक हफ्ते में दूसरी बार इस तरह का अनुरोध अस्वीकार किया है। धनखड़ शुक्रवार सुबह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने फरक्का गए थे। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर के लिए अनुरोध काफ़ी समय रहते किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पर सवाल उठाते हुए इसे बेतुका और जनता के पैसे का दुरुपयोग करार दिया था। यही नहीं, राज्यपाल के खिलाफ सिंगूर में तृणमूल समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। इतना नहीं, राज्यपाल पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से लेकर शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी तक के ने टिप्पणी की है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में राज्यपाल और सरकार के बीच तल्खी और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आगामी वर्ष नगर निकाय का चुनाव होने वाला है।